इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां कोरोना से संक्रमित एक महिला मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 7 पर पहुंच गई है। संक्रमित मरीज की आज पटना के अस्पताल NMCH में मौत हो गई है। बिहार में पहली बार किसी महिला मरीज की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि महिला कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। ये महिला मरीज पटना के आलमगंज थाना के मक्खनपुर ईदगाह की रहने वाली थी और कोरोना संक्रमण के कारण NMCH में उसका इलाज चल रहा था। वही महिला की मौत 13 मई को यानी बुधवार को हुई है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव छठे मरीज की रविवार को पटना के PMCH में मौत हो गई थी। वह 60 साल का था और अस्थमा से पीड़ित था। उसकी मौत के बाद कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। आज एक महिला की मौत हो गई है। इस तरह से पटना के आज दूसरे मरीज की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। मालूम हो कि बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 130 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस महामारी से बीमार होने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 869 हो गई है। खास बात यह है कि अब बीमार का कोई भी जिला इस महामारी से अछूत नहीं रहा है। कोरोना वायरस ने बिहार के जमुई जिले को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.